पवनदीप राय तथा कांजीलाल दोनों से जुड़ी दो बड़ी खबरें लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। दोनों खबरें पवनदीप राजन की पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई हैं। हर कोई आज पवनदीप और नीता की पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहता है। ऐसे में क्या है ये दो बड़ी खबरें, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। तो चलिए आपको बताते हैं कि पवनदीप से जुड़ी दो बड़ी खबरें क्या है। पहली खबर ये है कि कल यानी 4 सितंबर को पवनदीप राज और नीता कांजीलाल का लद्दाख में लाइव शो होने वाला है और फैंस ये शो लाइव देखना चाहते हैं क्योंकि सूर्य जी भी लद्दाख गए हुए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि लद्दाख में नेटवर्क के काफी ज्यादा इशू रहते हैं, काफी ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, इसलिए लद्दाख का शो लाइव देखने के चांसेस काफी कम है। दूसरी खबर यह है कि अब ये कंफर्म हो चुका है कि पवनदीप राजन की छोटी बहन यानी ज्योतिदीप राजन अब इंडियन आइडल सीजन 13 में नहीं दिखाई देंगी। इस वक्त इंडियन आइडल सीजन 13 की शूटिंग मुंबई में चल रही है। वहीं दूसरी ओर ज्योतिदीप राजन पवनदीप के साथ इस वक्त लद्दाख में हैं। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि मोहम्मद दानिश के छोटे भाई यानी ताबिश इंडियन आइडल सीजन 13 में दिखाई दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने ऑडिशन राउंड पार कर लिए हैं। अब बहुत जल्द हमें इंडियन आइडल सीजन 13 सोनी टीवी पर देखने को मिलेगा। आप इसके लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करें। ऐसी कुछ खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।